कैसे करना है ये जरा समझ में नहीं आया सर, ये अकाउंट कैसे क्लोज एनालिटिक्स करना के अंदर है। कैसे साइन इन करना है, आप इस बारे में बात कर रहे हैं? चलिए हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, हम बिल्कुल इस चीज में निकाल लेंगे सर, कैसे एनालिटिक्स पे साइन इन करना है। चलिए मनोज सर, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? सर मैंने भी साइन इन करने की कोशिश की, वो सीधे टैग में ले गया था, मुझे उसको कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना पर होता, लिखा तो था सर? सर साइन इन कर लिया था मैंने गूगल एनालिटिक्स में, तो जी जी उसने फिर जो आपने लास्ट में बताया था कि ये जो पेस्ट करना है टैग जो था वो ऑप्शन दे दिया था, यानी कि कर लूंगा। सो दैट मींस आप कर लेंगे ना सर उसको। चलिए जी सर जी, बहुत बढ़िया सर, कंग्रेचुलेशन। संजीत सर इसमें यस सर, जी बताएं। इसमें जब साइन इन मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले सर, तो उसमें वेबसाइट एंड उसका और मांग रहे थे डिटेल्स, तो मुझे लगा कि सर मैं एक बार पूछ लूं आपको कि क्योंकि मेरा वेबसाइट तो रेडी नहीं है। सर नहीं डाल सकते हैं, देखिए वेबसाइट रेडी नहीं है तो क्या हुआ, एनालिटिक्स तो आपको ही दिख रही है ना, कोई कस्टमर को थोड़ी दिख रही ओके सर, डाल है ना, सकते हैं, वो ठीक है एनालिटिक्स सर। पूरी की पूरी आपके लिए है, किसी कस्टमर के लिए नहीं, तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। जी तो उसमें यूआरएल जो मांग रहा था उस यूआरएल के साथ वेबसाइट को डाल देंगे जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल डाल दें सर। ओके सर, चलिए मैं थोड़ी सी उमेश जी की हेल्प कर देता हूँ, कोशिश करते हैं मनोज सर आप इस चीज को लीड करें और एक बार उमेश सर की हेल्प करें कि कैसे साइन इन करना है, क्या करना है। चलिए देखते हैं सर ओके कितना सर, कितना समझा है आपने मनोज जी। चलिए सर बताएं क्या करूं मैं। सर गूगल एनालिटिक्स जाना पड़ेगा। चलिए गूगल जी पहले लिंक पे आ जाते हैं। हाँ सर, इसी में चलिए आज सेशन में बहुत सारे लोग हैं नहीं, हाँ सर, काफी हाँ सर, तो खामोशी है। हाँ कुछ कुछ प्लानिंग करके आप लोग आए हैं आज, कुछ ऑफ ऑफ करना था, कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम कवर आज जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है लेकिन उसको कवर करके फिर हम आगे चलेंगे। चलिए सर यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया सर, अगर आप किसी नए अकाउंट में लॉग इन करते हैं ना उमेश सर, सर, तो आपको ये स्क्रीन नहीं दिखेगी, आप अपने स्क्रीन को शेयर करें और सर कोशिश करते हैं सर आपके अकाउंट में लॉगिन करने की। मनोज सर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, मैं समझ चुका हूं सर आपने किया है ये काम, थैंक यू एंड इसमें कंग्रेचुलेशंस। सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे होता है जहाँ पे वो अकाउंट आईडी मांगता है, जी अकाउंट आईडी का एक ऑप्शन है, तो वहां पे मैंने अपना नाम डाला था और नीचे वेबसाइट नेम डाला था, तो चलिए सर आ उससे हो गया। गया होगा, एक काम करते हैं जी उमेश सर अपने स्क्रीन को शेयर करें प्लीज। यस सर, जी सर आज मैंने ना एक एसयू पे ब्लॉग लिखा है सर, और ग्रुप मैं में भी देख डाला नहीं है। पाया उमेश सर, मैं देख नहीं पाया, मैं जरूर उसको देख लूंगा एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट। जी सर, उमेश सर अगर आप रेगुलर इसी तरीके से कंटेंट डालते रहे ना सर, बहुत बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब आपके कंटेंट सर टॉप रैंकिंग्स में आने लग जाएंगे, लोग आपके सामने आने लग जाएंगे, तो इसीलिए अब मैं आपको हिदायत देता हूं कि सर अब अपना गूगल इंडेक्सिंग में डाल दीजिए ब्लॉग, क्योंकि आप रेगुलर लिख रहे हैं। तो वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए स्टार्ट कर दूं सर, वो जी जो बिल्कुल डाल दें सर, बिल्कुल चेक। डाल दें, गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करें। सर अगर आपका कोई टीम अगर मेरे वेबसाइट को एक बार अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक एक बार चेक कर ले कि कुछ कम ज्यादा है, ठीक तो है सर, तो फिर रुक जाइए, फिर मैं एनालिटिक्स टीम को पास ऑन कर देता हूं और एनालिटिक्स टीम सर आपको फीडबैक दे देगी पूरा। ठीक है सर, मैं रुक जाता हूँ। जी आज हम वैसे सेशन में गूगल वेब मास्टर टूल करने वाले हैं, क्योंकि जब आप सेशन में या फिर जब आप कुछ ब्लॉगिंग पे काम कर रहे होते हैं, नया नया जोश जगता है, ब्लॉगिंग पे काम करते हैं, तो ब्लॉगिंग पे काम करने के साथ साथ आप लोग अपने जो भी ब्लॉग्स हैं उसको गूगल को कैसे बताएंगे कि मैंने एक ब्लॉग लिख दिया है? वेट थोड़ी करेंगे उमेश सर 15 दिन की गूगल हमारी साइट पे आएगा और कैश करके जाएगा, है ना? यस सर, इसीलिए यस सर, बहुत जरूरी है हमें ये मेथड सीखना कि हम गूगल को कैसे बताएं कि हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। चलिए अभी लाइव हम इस चीज को करके दिखाएंगे। जी बताएं उमेश जी। सर ये जो कोड हम अपने हेडर में डाल रहे हैं, जी टीम चेंज करने के बाद क्या ये कोड चेंज हो जाएगा सर? सर हो सकता है ये चेंज हो जाए,
लेकिन आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, कोड कभी जाएगा नहीं, कोड हमेशा आपको दिख जाएगा। सर इंटरनेट थोड़ा स्लो है आपके एंड पे? हाँ सर आज मेरा मतलब इंटरनेट स्लो ही है सर जी। गौरव सर कैसे हैं आप? सर एकदम ठीक ठाक। बहुत बढ़िया सर। कुछ एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, कुछ मौका मिला? सर समझ नहीं पाया क्या बोला सर? एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया क्या वेबसाइट पे? सर नहीं टाइम मिल पाया सर। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं भी बैठूं सर, बैठूं जी। सर क्या आप इनकॉग्निटो मोड में अपने एंड से थोड़ा सा डेमो दे सकते हैं सर? मेरा इंटरनेट कुछ ज्यादा ही स्लो है सर। सर चलिए 100% में कर देता हूँ इस चीज को, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। मैं एक नई आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये होगा काम। मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ, यहां पे चल देते हैं हम गूगल एनालिटिक्स। यहां पर मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूं सर। कोई भी ईमेल एड्रेस चल सकता है ना सर यहां पर? सर कोई भी जीमेल एड्रेस दे दीजिए, कोई भी जीमेल एड्रेस। चलिए ये आपको पहला स्क्रीन दिखेगा जब आप गूगल एनालिटिक्स पे आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, यहां पे आपको प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए बोलेगा। यहां पर आप जाएंगे, देखिए कुछ भी नहीं है यहां पे अभी। Okay. मैं एक बार चेक कर लेता हूं सर इस पे कुछ डेटा है या नहीं है। ये सर पहले से आपका वेबसाइट का नेम उसमें दिया हुआ होगा? सर यहां पे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, सो ये हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। सो मेरे को कुछ दूसरा कुछ देखना पड़ेगा जहां से हमारे पास आ जाए। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एडमिन में जाके क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, नीचे एडमिन में जाके ये स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ना आपके सामने, ये स्क्रीन दिखाई देगी जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे, है ना संजीव सर? यही दिखा था? यही दिखा था सर। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। अगर आपके पास कुछ वेबसाइट का नाम, लेट सपोज मैं प्रभाकर भी डाल सकता हूँ, ये आपके अपने रेफरेंस के लिए है। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट लैंड करती है। टाइम जोन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि आप जो भी एनालिटिक्स देखेंगे, यूजर कब आपकी वेबसाइट पे आया, कितने बजे आया, उसने क्या किया, ये सारा टाइम जोन पे मैटर करेगा। एक यूएस का कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया तो आप अगर इंडियन टाइम जोन पे उसको देख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ना। अगर आपने गलती से यहाँ पे सर यूनाइटेड स्टेट्स रहने दिया तो सर आपको टाइम जोन में कंफ्यूज जाएंगे, 12 घंटे आगे भी चलेगी घड़ी आपकी। यस सर। तो कंफ्यूज जाएंगे सर, कुछ एनालिटिक्स मिल नहीं पाएगा। और जब आप इसको कर देंगे, गेट ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा। उस कोड को उठा के अपने header.php फाइल के अंदर, हेड के अंदर डाल देना है। क्लियर है? Yes, sir. सर यहाँ पे कैटेगरीज में जो इंडस्ट्री कैटेगरी है, यहाँ पे हमने जो चूज किया, अगर टॉयज या गेम्स चूज करते हैं जी, तो इससे हमारा जो ब्लॉग है उससे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर? सर पहली चीज यहाँ पे टॉयज कैटेगरी है ही नहीं, गेम्स है सर यहाँ पे जी। तो आप हाँ गेम्स डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उससे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उससे। आप यहाँ पे अगर आपको ब्लॉग डालना है, ब्लॉगिंग मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट डाल दीजिए, आर्ट्स एंटरटेनमेंट डाल दीजिए, ये डिपेंड आप पे करता है सर। गेम्स डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक ही कैटेगरी में चूज कर सकते हैं? जी जी सर एक ही करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, कल हो गया अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन की एनालिटिक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन में एनालिटिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वेबसाइट तक रखते हैं। अब मैं चलता हूँ एक नए टूल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ पे संजीव सर? नहीं सर यहाँ तक बहुत इजी प्रोसेस है ये, है ना? चलिए अब मैं चलता हूं आपके सामने, एक नया टूल है जिसका नाम है वेबमास्टर। ये टूल है क्या? मैंने आप लोगों को सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरीके हैं। अगर मैं जॉब लेने के लिए उमेश सर के पास जा रहा हूं और उमेश सर से बोल रहा हूं कि सर मेरे को जॉब दे दीजिए, उमेश सर ने मेरा रिज्यूमे देखा और मेरे को जॉब दे दी। दूसरा तरीका यह है, मैं इनके दरवाजे पे 5 दिन तक खड़ा रहूंगा और फिर ये मेरे को बुलाएंगे, अरे भैया क्या काम है ये बताओ।
याद है आप लोगों को ये टॉपिक मेरे ख्याल से। सो अगर मैं इनको खुद अप्रोच करता हूं तो ज्यादा अच्छा तरीका है ना सर अप्रोच करने का, जल्दी काम होगा मेरा। वेब मास्टर टूल गूगल की और आपके बीच में एक मीडियम की तरह काम करता है। वेब मास्टर टूल में आप गूगल को यह बताते हैं कि इस वेबसाइट के ओनर हैं आप। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेब मास्टर टूल के थ्रू गूगल को आप यह बताते हैं कि आप इस वेबसाइट के ओनर हैं। कैसे बताएंगे देखते हैं आप। मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे डालता हूं सो दैट बहुत इजी आप लोगों को समझ आए। वेब मास्टर, गूगल वेब मास्टर टूल है ये, google.com/webmaster ये टूल का नाम है। इसका आजकल नाम सर्च कंसोल भी हो गया है। सो अगर कोई सर्च कंसोल बोलता है या वेबमास्टर बोलता है बात एक ही है। यहां पे देखिए वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, यहां पे आपका डोमेन है और दो चीजें दी हुई यूआरएल प्रीफिक्स। मतलब अगर आप डोमेन के बाद कोई जैसे आप चाहते हैं www.google.com/rakesh अगर इस टाइप का डोमेन आप चाहते हैं या फिर ऐसा कोई लिंक कैश कराना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं जरा साइन इन कर लेता हूं तो मुझे दिख जाएगा। चलिए मैंने साइन इन किया हुआ है, यहां पे मैं डोमेन डालता हूं, यहां पे मैं स्त्री माया डालता हूं। आज भी खुल गया सर। चलिए मैंने स्त्री माया डाला और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने पे देखिए कोई भी किसी का डोमेन को है ना ऐड नहीं कर सकता। तो यहां पर जरूरी यह है आपको यह दिखाने के लिए, एक बार वेरिफिकेशन देखिए, नो प्रॉपर्टी एडेड, एक बार वेरिफिकेशन हमें यहां पे करनी पड़ेगी। ये यूआरएल प्रीफिक्स क्या है सर, इसमें कौन सा वेबसाइट की फील्ड डालनी है? सर यूआरएल प्रीफिक्स हो गया कि आपकी जो वेबसाइट है ना ओनली यूआरएल अंडर एंटर्ड एड्रेस, द यूआरएल अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड। सर यहां पे प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि आपका जो सब डोमेन्स है, जैसे मान लीजिए shop.iidm.com या फिर iidm.com/shop, मतलब जो यूआरएल से आगे पीछे कुछ जुड़ा हुआ हो उसको डाल सकते हैं, उसको प्रीफिक्स सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं वो ये भी करती हैं कि जैसे सब डोमेन्स बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में होता है location.bank का नाम होता है। गौरव सर जी सर, तो इसी तरीके से इसको प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे वो अगर डालना चाहें, क्योंकि अब जिस भी बैंक का मैनेजर है वो उस बैंक का ओनर हुआ ना, तो सर वो उसके लिए प्रॉपर्टी हो गई। अब सर ये गुजरात के बैंक के मैनेजर हैं, अब दिल्ली वाले ब्रांच के लिए इनके पास राइट्स नहीं होंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं स्त्री माया डालता हूँ। अभी सिर्फ मैं डोमेन पे काम करूंगा और कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए चेक वेरिफिकेशन कर रहा है ये। अब ये कह रहा है कि भाई साहब क्या आप ही साइट के ओनर हो क्या, क्योंकि वेबमास्टर टूल है। वेबमास्टर टूल मतलब मैं अपनी साइट पे क्या अपडेट कर रहा हूं वो सारी चीजें गूगल को इस टूल की वजह से पता लगेंगी इजी तरीके से, मतलब गूगल की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं गौरव सर की वेबसाइट यहां डाल दूं और मैं उसका ओनर बन के बैठ जाऊं गूगल की नजर में तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए गूगल क्या कहता है कि भैया आप वेरीफाई करो कि आप इस साइट के ओनर हो। वेरीफाई वही बंदा कर पाएगा कौन, जो उसके कोड्स को एडिट कर पाए, है ना उमेश जी? यस सर। मनोज सर क्लियर है? यस सर। वही तो ओनर होगा ना जिसके पास राइट्स होंगे एडिट करने के। जी सर। जैसे अभी स्त्री माया का ओनर कौन है, मैं या फिर उमेश जी? आप में से किसी को उसका कोड नहीं पता, उसका राइट्स नहीं पता। तो अभी यहां पे गूगल हमें कह रहा है कि ये एक गूगल वेरिफिकेशन कोड है, इसको एक काम करें, इसको कॉपी कर ले, साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, जो भी गोराडी जहां से भी आपने खरीदा है, कॉपी दी टीएक्सटी रिकॉर्ड बिलो दी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ streamaya.com। आपने जहां से डोमेन खरीदा है वहां पे जाके डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक ऑप्शन होगा डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का, वहां जाके इस टीएक्सटी रिकॉर्ड को अपडेट कर दें। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम है, अपने डोमेन सेलर को जहां से आपने डोमेन खरीदा है उस डोमेन को कॉल कीजिए और उससे पूछ लीजिए कि ये कैसे होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, अगर उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता मैं बताऊंगा।
चलिए इसके बाद यहां पे चलते हैं और जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा ये दोबारा चेक करेगा अगर वेरीफाई हो गया। देखिए अभी इसने दे दिया कि भैया ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा, डोमेन नेम वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकता, वेरीफाई लेटर। अब चलता हूं मैं मेन गूगल वेब मास्टर पे जो एक जहां से हमने डोमेन लिया है वहां से फिर वो क्या पोर्ट नंबर देंगे सर। ये आपने कॉपी किया ना, ये आपको अपने डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको पेस्ट करना है और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और दोबारा वेरीफाई पे क्लिक करेंगे वो चेक कर लेगा सर ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर है संजीव जी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, साइन इन पे क्लिक करें। यहां साइन इन पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूं कि पहले से इस वेबमास्टर टूल में मैं लॉगिन कर चुका हूं सर्च कंसोल में। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपको दिखेगी। अब मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर एक नया पेज बनाया है, तो मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। लेट सपोज मैं जाता हूं वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में, ये रहा, और मैं ये लेके चल रहा हूं कि गूगल पे अभी कैश्ड नहीं है। मैं यहां पे टॉप में जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से आप जब नया पोस्ट बनाएंगे तो यहां पे क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, पहली बार जब इंडेक्सिंग होगी, पहली बार जब गूगल आपकी साइट पे आएगा तो उसको इंडेक्सिंग कहेंगे, जब सेकंड बार गूगल आएगा उससे ज्यादा बार आएगा तो उसको क्रॉलिंग कहेंगे। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ दिख रहा है मुझे कि यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब गूगल की मेमोरी में ये यूआरएल है पहले से। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो यहां पे आ जाता एड दिस यूआरएल। इसके बाद लेट सपोज अगर मैंने इस यूआरएल में कुछ चेंजेस किए हैं एज पर एसईओ स्टैंडर्ड्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इधर आऊंगा, ना कि मैं वेट करूंगा बैठ के गूगल मेरी वेबसाइट पे आएगा, मैं यहां पे आऊंगा और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये अपडेट हो गया वैसे ही आपकी साइट वहां नजर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें भी उसके कैश मेमोरी में जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी सारी टीम बैठी हुई है, एक टीम कंटेंट बना रही है, एक टीम ब्लॉग का लिंक उठा रही है और यहाँ आके फटाफट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर रही है। तो उस पेज या पोस्ट का लिंक यहाँ पे डालेंगे तो उस पेज को उसको कर लेगा सर। बिल्कुल सर, ये एक तरीका है गूगल को अपने बारे में बताने के लिए कि भैया देखो मैंने वेबसाइट बना ली है, जल्दी जल्दी हमारी साइट पे आओ। ये देखो पूरे की पूरी वेबसाइट को रीड कर रहा है वो, एक एक कोड पे गूगल जा रहा है, ये इंडेक्सिंग कर रहा है अभी। इंडेक्सिंग मतलब फास्ट प्रोसेस मूव कर रहा है। जब हमने इसकी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डाल दी उसके बाद ये फिर क्रॉलिंग करेगा अपनी मर्जी से उस पे कभी भी आके। अब देखिए रिक्वेस्ट सबमिटिंग कर रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट से डेटा ले लिया और अपने सर्वर पे डाल रहा है। यूआरएल वॉज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉलर क्यू। देख लीजिए अब जो क्रॉलर है ना, इंडेक्सिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, अब उसने क्या किया, अपने क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे दिया भैया प्लीज इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार दोबारा घूम के आ जाओ अच्छे से, ना कि हमने बैठ के गूगल का वेट किया। क्लियर है उमेश सर? यस सर। बहुत इजी टास्क है ये, आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, प्लस आपकी वेबसाइट में कोई भी अपडेट होगा उसमें हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। पोस्ट बनाओ या पेज बनाओ उसी दिन इसको उसी टाइम करके फिनिश कर। बिल्कुल सर। मनोज सर क्लियर है? हाँ सर, एक क्वेश्चन है इसमें। जी बताएं। अगर पेज ऑलरेडी हमने वेबमास्टर टूल में डाल दिया और उसके बाद मैंने कोई अपडेट किया उसमें जी, तो क्या मैं फिर से पेस्ट करके उसको ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट? सर अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज में कोई अपडेट है और वो कहीं एसईओ पैरामीटर्स को मीट करता है और आपको लगता है कि उस अपडेट की वजह से आप गूगल की अच्छी रैंकिंग में आ सकते हैं तो जरूर इंडेक्सिंग कीजिए। ओके सर, तो सेम प्रोसेस होगी इसमें? जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपने लेट सपोज आपने अपने कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर अपना फोन नंबर चेंज किया है, नहीं वो तो उससे क्या फर्क पड़ना है सर? जी सर, फिर तो गूगल को ही आने दीजिए, क्योंकि सर गूगल में जब कोई सर्च कर रहा है
तो आपके कॉन्टैक्ट पेज का लिंक दिखेगा, बंदे को वहां पे नंबर तो दिखेगा नहीं, वो क्लिक करेगा उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, वो तो वैसे भी अपडेटेड पेज देखेगा क्योंकि वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। हम तो बात तब कर रहे हैं ना जब गूगल में जो सर्च कर रहा है उसको अपडेटेड दिखे। तो अपडेटेड दिखता क्या है सर? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मेटा टैग्स। ओके सर, तो अगर इसकी हम रैंकिंग चेक करें गूगल एनालिटिक्स, वो तो गूगल एनालिटिक्स से पता भी चल जाएगा सर? सर क्या पता लग जाएगा? अगर हमने एसईओ से अपडेट किया है यहाँ पे कीवर्ड हमने कुछ या कुछ चेंज करके हमने इस पे डाल दिया गूगल वेब मास्टर पे जी। और ये अपडेट किया तो उसको वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ से परफॉर्मेंस भी पता चलेगी ना सर? 100%, लेकिन पहले आप इंडेक्स करेंगे तभी तो परफॉर्मेंस तो बाद की बात आती है, पहले गूगल आपको जाने तो कि आपने ये अपडेट किया है। ओके सर, है ना? जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है साइट मैप। अब ये साइट मैप चीज क्या है? साइट मैप का मतलब है कि आप गूगल की हेल्प कर रहे हैं। साइट मैप का जो फॉर्मेट होता है वो XML फॉर्मेट होता है। आप जब साइट मैप किसी वेबसाइट का ऐड करते हैं फायदा क्या मिलता दिखाता हूं। जाता हूं गूगल के ऊपर, यहां पे डालते हैं Amazon। ये देखिए, ये दिख रहा है प्राइम डे सेल, ज्वाइन Amazon प्राइम, डील ऑफ द डे, ये तो एड की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर Amazon की ऑर्गेनिक रैंकिंग में हम देखें फिर भी नीचे दो पेज मुझे दिख रहे हैं। दिख रहा है सर? यस सर। ये बिकॉज ऑफ साइट मैप आ रहा है, मतलब गूगल को ये पता लग रहा है कि भैया क्या है साइट मैप, मतलब इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या लिंक है जिनको गूगल कैश करेगा, जो कि एक यूजर के लिए बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में साइट मैप इसलिए यूज होता था क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे यूजर नेविगेट नहीं कर पा रहा अच्छे से तो वो क्या करता था, वो साइट मैप खोलता था और दिखता था कि उसका कोई यूज का लिंक है या नहीं है। दिखाता हूं, मैं कोशिश करता हूं अगर साइट मैप इनके मेन डोमेन पे ही हुआ तो हमें साइट मैप जरूर दिख जाएगा। चलिए, इन्होंने डिसेबल कर रखा है, हम देख नहीं सकते। सो साइट मैप इसलिए जरूरी होता है कि वो आपके सारे पेजेस को इंडेक्स करे। अभी देखिएगा मैं किस तरीके से साइट मैप जनरेट करता हूं। अगर मुझे स्ट्रीम आया का साइट मैप जनरेट करना है तो इसके लिए कुछ नहीं है, साइट मैप जनरेटर। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका साइट मैप जनरेट करके देते हैं। XML साइट मैप जनरेटर, यहां पे जाइए, अपने डोमेन का नाम डालिए। इससे फायदा क्या होगा सर? इससे कोई फायदा है? बता रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा सर आपको। मैंने स्टार्ट किया और देखिए स्कैन करना स्टार्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट को। इनकी वेबसाइट के अंदर सर कोई भी साइट मैप नहीं है, रीजन बीइंग कि इनकी जो वेबसाइट है उन्होंने गूगल इंडेक्सिंग के लिए भी ऑन नहीं किया हुआ है। गूगल इंडेक्सिंग के लिए उसको ऑन नहीं किया हुआ है, इसलिए साइट मैप जनरेट नहीं हो रहा। ये सर्च इंजन्स के लिए होता है। साइट मैप का मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना जो यूजर नेविगेशन, ये साइट मैप से बहुत ईजी हो जाता है। यहां पर अगर मैं चेक करता हूं, जैसे लेट सपोज इसने मेरी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं उनको स्कैन कर दिया। और अब इस साइट मैप को आप लेके गूगल वेबमास्टर टूल पे डाल देंगे। मैंने व्यू डिटेल्स में किया, अब देखिए क्या होता है इस साइट मैप को। ये देखो सारे लिंक्स हैं ना, अब आप गूगल की हेल्प कर रहे हैं कि भैया एक काम करो, ये सारे पेजेस हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, एक काम करो
इसको अपनी मेमोरी में डाल दो और अपने क्रॉलर को बोलो कि इन वेबसाइट्स को इन लिंक्स पे जरूर अपडेट करता रहे, चेक करता रहे। क्लियर है संजीव सर? यस सर। और ये आपकी हेल्प करते हैं, जब गूगल आपकी लिस्टिंग दिखाता है ना, तो ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन दिखाने में। तो यहां से मैंने करना क्या है, यहां से मैं साइट मैप को यहां से या तो मैं मेल करवा सकता हूं, अगर मुझे डाउनलोड करना है तो साइट मैप डॉट जिप मैंने डाउनलोड कर ली, जिप को डाउनलोड करने के बाद मैं ओपन कर लेता हूं, और इस जिप को अगर आप खोलेंगे तो इसमें साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके एक फाइल होगी, ये देखिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके फाइल है, ये रही, दिख रही है? Yes, sir. इस फाइल में होता कुछ नहीं है, अगर इसके कोड को अगर आप देखना चाहें तो इसमें होता कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरीके का डेटा इसमें लिखा हुआ होगा। सर अगर नया पेज या नया पोस्ट बनाया तो उसका भी साइट मैप इसी तरीके से ही होगा सर? बिल्कुल सर, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आपको साइट मैप जाके अपडेट करना ही है सर, और खोल के जैसे नया पोस्ट बनाया तो साइट मैप में ऐड करना पड़े आपको, ये जरूरी नहीं है। ये अगर जब आपकी वेबसाइट पे 50-60 हैं, आप एक काम करें, वीक में एक बार साइट मैप अपडेट करें और साइट मैप अपडेट कर दें वहां पे। कुल करने के ये सिर्फ गूगल की हेल्प करने के लिए, अगर आप नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गूगल ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर आप साइट मैप जनरेट करते हैं तो गूगल आपको फायदा देगा। देखिए यहाँ पे भी नहीं किया, लैंग्वेज में लिख दिया जिसको हम कहते हैं XML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। XML का एक्सटेंशन है, HTML का एक्सटेंशन है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML। HTML का अपडेटेड वर्जन है, जो लैंग्वेज अपने आप में डेटा स्टोर कर लेता है। डेटा कैसे स्टोर करता है, ये देखिए ये लिंक है और ये इतने बजे यहां से स्कैन हुआ है, प्रायोरिटी देखिए दिखा रहा है, ये जो मेन डोमेन है देखिए ध्यान से, ये मेरा है मेन डोमेन और इसकी प्रायोरिटी है 1, देखिए दिखा रहा है, मतलब गूगल को ये कह रहा है कि भैया सबसे पहले इस मेन डोमेन को चेक करो, प्रायोरिटी 1 रखी है, और यहां देखिए 0.80 से मैंने प्रायोरिटी कम करके रखी हुई है, तो अबाउट पेज पे जाओ, उसके बाद ये जो कोर्स का PDF है इसको उसने थर्ड प्रायोरिटी दे दी, ऐसे ऐसे आप प्रायोरिटी अलग अलग करके ये गूगल को बता रहा है। ये गूगल के लिए काम इजी करने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं, तो जितनी गूगल की हेल्प करेंगे उतना ही गूगल आपका साथ देगा ना संजीव सर, क्लियर है? यस सर। मनोज सर क्लियर है ये? भरत जी क्लियर है? सर लेकिन इसमें प्रायोरिटी कैसे सेट होगी? सर प्रायोरिटी आपको सेट नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी वो। ओके सर, उसमें आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना सर, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी वो। स्वाति मैम क्लियर है? स्वाति मैम क्लियर है? स्वाति मैम देख पा रहे हैं आप, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। गौरव सर कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। चलिए उमेश सर क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए सर इसको साइट मैप हमने यहां से डाउनलोड कर लिया, जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल थी उसको मैं क्या करूंगा, उसको साइट मैप डॉट एक्सएमएल को यहां पे जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने ऑप्शन आएगा साइट मैप का, और यहां पर मैं उस साइट मैप डॉट एक्सएमएल को कहां पे अपलोड करूंगा, अपने होस्टिंग के रूट फोल्डर में। आप सबको एक सी पैनल मिला होगा, उस सी पैनल के अंदर आपको लॉगिन करना है, फाइल मैनेजर के अंदर उसको अपलोड कर देना है। ये साइट मैनेजर जो कॉन्सेप्ट है इस साइट मैप डॉट एक्सएमएल को पहले आप लोग जनरेट करके देखेंगे, सारे लोग अपनी अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फाइल मैनेजर में इसको अपलोड करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस है नहीं। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे तो जैसे उमेश सर अगर आप मेन रूट फोल्डर पे अपडेट करते हैं, मतलब जहां पे सारी साइट रखी हुई है, अगर आप उस जगह अपलोड करते हैं तो आपका लिंक, अगर मैं उस XML को देखना चाहूं तो यही होगा ना, iidm.net/xml.sitemap, यही होगा ना? या sitemap.xml, यही होगा? तो यहां पे आपको वही टाइप कर देना है sitemap.xml और इसको सबमिट कर देना है, और गूगल यहां से पूरा डेटा उठा लेगा। जो जो वेबसाइट का लिंक यहां मेंशन होगा गूगल अपने क्रॉलर की मेमोरी में डाल देगा, भैया
इन लिंक्स को जरूर चेक कर लेना, छोड़ना मत इनको। तो ये गूगल का काम आप इजी कर रहे हैं। वेबसाइट के जो नेम होगा उसको, वेबसाइट के नेम के साथ उसमें साइट मैप डाल के, जी साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल के उसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है सर? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है सर यहाँ पे? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है सर? गूगल वेब मास्टर के बाद में क्रॉलिंग में कितना टाइम लेगा सर? ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट में दम कितना है। अच्छा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट में कितना दम है और कब आप क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है। अगर आप वेबमास्टर में रेगुलर डालते रहेंगे अपनी वेबसाइट में रेगुलर कंटेंट, अब ये वही बात है सर कि आप किसी एक आदमी से बार बार फोन करके पूछ रहे हैं और भाई साहब क्या हाल है, तो जब भी उसको प्रॉब्लम होगी सबसे पहले आपको ही बताएगा। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड को सर 4 साल में एक बार कॉल कर रहे हैं और उसका 5 रुपए का नोट गुम हो गया, वो आपको कॉल करके बताएगा नहीं सर, है ना? लेकिन आप जिसको भी आप हर 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं, वो जैसे ही आप कॉल करेंगे वो उठा के गालियां देगा 10, कहेगा भैया रुक जा 5 रुपए का नोट गुम हो गया, बाद में कॉल करता हूं। तो लिंकिंग बनी हुई है ना, तो यही काम वेबमास्टर टूल कर रहा है गूगल के साथ, हमारे और गूगल के बीच में ये एक मीडियम है बात करने का। इसका नाम है सर्च कंसोल, मतलब जो आप सर्च कर रहे हैं उसका मेन बैकहेंड सर आपकी वेबसाइट का यही है। ठीक है मनोज सर? यस सर। कोई कंफ्यूजन सर? क्लैरिटी पूरी है यहां तक? यस सर। जी सर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड को देखते हैं, ये क्या क्या चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, जब आप इसे प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं ओवरव्यू में क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे को ये दिखा रहा है कि 448 सर्चेज हुए हैं आज मेरे पास, 448 सर्चेज हुए हैं और ये किस किस टाइम पे कितना कितना तरीके से सर्च हुआ है, ये सारे आपको एक कवरेज दिखा रहा है। ये कुछ ग्राफिकल है, मोबाइल रिसर्च कितना हुआ है, साइट लिंक जो सर्च बॉक्स, मतलब जो सर्च बॉक्स से डायरेक्टली आए हैं वो कितने हैं, मोबाइल से कितने आए हैं, परफॉर्मेंस। अब ये मेरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये देखिए यहां पे पूरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है कि 448 क्लिक्स हुए हैं, टोटल इंप्रेशंस कितने हुए हैं, एवरेज पोजीशन कितना रहा है, लोगों ने ये इंटरनेट पे जाके सर्च किया और मैं दिखाऊं, ये सारी चीजें आपको यहां दिखेगी। क्वेरीज, कौन से पेजेस से लोग ज्यादा गए हैं, ये सारे पेजेस जिस पे लोग गए हैं, कौन सी कंट्री से लोग आए हैं, ये वही डेटा है जो गूगल एनालिटिक्स में दिया हुआ है, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको इस टूल का जो यूज करना है वो यूज करना है कहां के लिए, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे स्त्री माया ने एक नया पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आइए, यहां ऊपर इंस्पेक्ट एनी यूआरएल वाला ऑप्शन है, यहां पे डालिए। अब मैं दिखाता हूं आपको, स्त्री माया का एक पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को उठा लेता हूं और देखिएगा मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं इसको इंडेक्स करूं, तो देखिए मेरे को क्या एरर दे देगा ये। मैं आ जाता हूं और इसको पोस्ट कर देता हूं, देखिए यूआरएल नॉट इन द प्रॉपर्टी, मतलब मैं इस साइट का ओनर नहीं हूं, तो कोई दूसरा इसको कैश नहीं कर सकता, जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी वही कैश कर पाएगा। क्लियर है? अगर आप किसी दूसरे कस्टमर का अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप यहां से सेटिंग में जाके ओनरशिप दे सकते हैं, यूजर एंड परमिशन दिख रहा है, यहां से आप ऐड यूजर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो उमेश जी को ऐड कर सकता हूं और उमेश जी को इस पैनल का एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जब अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करती हैं तो कुछ इसी तरीके से करती हैं, वो अपने वेबमास्टर टूल को अपने पास ही रखती हैं, और आप जैसी छोटी मोटी एजेंसी अगर आप चलाते हैं तो आपको क्या करेगी, उसका यूजर बना देगी, सो दैट अगर कभी आपने उनके साथ ग्लिच किया तो आपको यूजर से हटा दिया और आपका एक्सेस गया। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यूआरएल इंस्पेक्शन आपको साइड में मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी इस टूल में कुछ है नहीं, मजेदार टूल है, इस टूल को हमेशा यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा टूल है। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो इस टूल पे आके अपने आप को इंस्पेक्शन में डालते रहते हैं, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में डालते रहते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई फोन नंबर चेंज करें या कोई इमेज चेंज कर दें और यहां आके अपडेट कर दें, तंग नहीं कीजिएगा गूगल को बिना बात के। आप अगर अपनी वेबसाइट पे कोई मेटा टैग
कोई कीवर्ड, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई ऐसे मेथड को चेंज करते हैं जिससे आपको लगता है कि यार मेरा एसईओ बहुत स्ट्रांग होगा, मैं टॉप रैंकिंग में जाने के लिए रेडी हूं। जहां पे मैं अभी हूं, अगर मैं 10th पेज पे हूं तो मैं 9th पेज पे आने के लिए रेडी हूं। तो यहां पे आके इंडेक्स जरूर कीजिएगा उसको, वेट नहीं कीजिएगा गूगल के आने का। और जब भी आप, जी पूछे सर, सर ये जो परफॉर्मेंस के नीचे जो कुछ 323 पावर स्लैश 19 लिखा है, ये क्या है सर? सर कहाँ पे? ये जो उसके नीचे ही सर, कुछ 4 पावर स्लैश 419। सर 448 टोटल वेबसाइट सर्च क्लिक्स, और उसके नीचे जो जीरो के नीचे जो है ना 18 12 6 0, उसके नीचे जो बार का नीचे नीचे वाला पोर्शन है सर, अंडरलाइन, ये वाला, ये क्या है सर? सर डेट है ना 23rd March 2019 को ये इस पोजीशन पे था। जी बिल्कुल, ठीक है सर। यस सर, ठीक है सर। और कुछ इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी इस टूल में ज्यादा कुछ है नहीं। और हमने इसके साथ अपना पूरा का पूरा ये वेबमास्टर टूल भी कवर कर लिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने जो कल जो हमने बात की थी गूगल एनालिटिक्स की, मैंने आपको सिखाया है गूगल एनालिटिक्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना, लेकिन जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वो ओल्ड मेथड है। उसका नया मेथड क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा एक दो क्लासेस के बाद, और रीजन आपको खुद समझ आएगा कि क्यों मैं उस चीज को बता रहा हूं। अब वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर भी हम अपने प्रोसेस को चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे अपनी वेबसाइट की हेल्थ को चेक करना बहुत जरूरी है। हमने वेबसाइट का ओवरऑल लुक तो देख लिया, लेकिन अब वेबसाइट को चेक भी तो करना जरूरी है ना उमेश जी? यस सर। चलिए सर आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं और देखते हैं सर आपकी वेबसाइट क्या काम कर रही है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं आपके लिए, वेबसाइट एनालिसिस अगर आप डालेंगे, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जो फ्रीली अवेलेबल हैं। वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजर भी एक टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की ऑडिट क्या है नहीं है। ये आपको वेबसाइट की ऑडिट बता रही है किस स्पीड से आपकी वेबसाइट खुल रही है, किस तरीके से काम कर रही है यूजर के नजर में। जो कल उमेश जी हम पूछ रहे थे ना वेबसाइट का स्पीड अलग अलग यूजर के लिए कैसा होगा, ये क्या करता है, ये एक मेन ऐसे एवरेज सिस्टम लेता है जिस सिस्टम पे एक नॉर्मल फंक्शन चल रहा हो, 1GB 2GB 3GB, और उसके अकॉर्डिंग आपकी साइट को ऑप्टिमाइज करता है। यहां पे स्त्री माया डाल देते हैं और चेक करते हैं सर अभी तक क्या क्या गड़बड़ की है हमने। और जितना भी ऑन पेज एसईओ हमने किया था, जितना भी किया था, वो सारा रिकॉर्ड यहां पे दिखा देगा, ऑन पेज ऑफ पेज हमने क्या किया है इस वेबसाइट पे। ये वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट आप किसी क्लाइंट के लिए निकाल के जाएंगे, यहां से जब क्लाइंट को पकड़ने जाएंगे ना जिसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, तो यहां से जाके रिपोर्ट बनाएंगे और क्लाइंट को दिखाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाए, टाइम थोड़ा लेती है। क्या क्या इंप्रूवमेंट है आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छे से आपको ये बता देगी। योर पेज इज वेरी गुड, परफेक्ट, A+ ग्रेड आपको मिला है, लेकिन अभी भी नहीं मिला है सर, तो यही मजा है सर इसका, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट है सर आपकी वेबसाइट में। अभी सी ग्रेड मिला है सर अभी हमें, चेक करते हैं सर क्यों मिला है, रीजन क्या है। देखा सर सी ग्रुप ए ग्रुप, सर ये सामने देख रहे हैं आप? ओके सर, लेकिन स्टार्टिंग वेबसाइट के लिए मैं सी ग्रेड बहुत अच्छा मानता हूं उमेश जी। सर ये ग्रेड कहां तक जाता है? सर ये ग्रेड A+ तक जाता है, और आप में सी ग्रेड इसलिए है मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने गूगल इंडेक्सिंग ऑफ कर रखी है। तो अगर ब्लॉगिंग अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो माइनस में जाएगा फिर सर? सर माइनस में नहीं जाएगा सर। अब चलिए ये सारे पेजेस हैं जो इन्होंने बनाए हैं अभी तक, ये सारे पेज इसने क्रॉल कर लिए। इसके बाद चलते हैं कि देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपने HTML हेडर में टाइटल टैग डाला है, बिल्कुल डाला है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने नहीं डाला हुआ है सर उमेश जी, देख रहे हैं? सर देखिए कितना मजेदार टूल है, कैसे पकड़ लिया इसने। इसके बाद चलते हैं सर हेडर टैग,
आपने H1 यूज किया है, H2, H3 बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, तो ये सही दिखा रहा है, चलो ठीक है यार, है ना। SEO के लिए बहुत जरूरी है H1 से लेके H6 तक यूज करें, जरूरी नहीं कि आप H1 से लेके H6 तक सारे यूज करो, लेकिन कोई भी एक टैग यूज जरूर करना हर पेज में अपने कीवर्ड में। कीवर्ड कंसिस्टेंसी यहां पे दिखा रहा है, योर पेज मेन कीवर्ड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वेल अक्रॉस द इंपॉर्टेंट HTML टैग। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो इसको समझ आता है सर, क्योंकि आपके पेजेस में कीवर्ड टैग अभी अच्छे से इंप्लीमेंटेड नहीं है। उमेश जी सही बोल रहा हूं? यस सर। तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए। ये देखिए सर, यहां पे टाइटल भी अपडेटेड नहीं है कोलेस्ट्रॉल वाले कीवर्ड पे, यहां हेडिंग में सिर्फ एक हेडिंग अपडेटेड है, और नीचे और चलिए सर, फ्रेजेस आपके जो भी कॉन्टेंट है उस कॉन्टेंट में उसको ये समझ आ रहा है, लेकिन सर ये आपका कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं है ना, लर्न मोर नहीं, ये नहीं है सर। तो यहां चलिए अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट, योर पेज हैज अ लो वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट कॉन्टेंट। मैंने आपको बताया है कि आपका जो पेज है उसका कंटेंट होना चाहिए कितना, 70% कंटेंट, 30% इमेजेस। ओके, ठीक है, लेकिन वो ये डिजाइन टू डिजाइन वेरी करता है। अब जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट की बात करें जिसपे सर इमेजेस ही इमेजेस हैं, एक बड़ी सी इमेज है, कंटेंट तो है ही नहीं फ्रंट पेज पे, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बिजनेस हो रहा है ना, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन आप पूछते आते हैं, कहते हैं सर आपकी वेबसाइट की खुद की SEO नहीं हुई है, क्या पढ़ा रहे हैं आप। लेकिन मैं फिर भी वही कहता हूं कि सर मेरे पास YouTube के अंदर सब्सक्राइबर्स चेक करोगे ना, 1000 सब्सक्राइबर्स तो अभी 3 दिन पहले पूरे हुए हैं, लेकिन मैंने इतने बच्चे पढ़ा दिए जितने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो कैसे हो रहा है वो सर। यही तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिस चीज पे फोकस करना है उस चीज पे फोकस करो। मुझे पता है कि मेरे बच्चे YouTube की वीडियोस देख के आ रहे हैं, तो मैं YouTube पे फोकस कर रहा हूं। मेरे को पता है सर YouTube पे अगर मैं फ्री कंटेंट डाल दूंगा तो आप लोग वहां पे पढ़ लेंगे सर, मेरे पास आएंगे नहीं, सिंपल लॉजिक है ना सर। तो मेरे सब्सक्राइबर्स अगर कंटेंट पूरा नहीं जा रहा तो सब्सक्राइबर कैसे होंगे। तो जो कॉन्टेंट है यूट्यूब का वो एक प्रमोशनल कॉन्टेंट है जिसके बेस पे आप हमारे इंस्टीट्यूट को कॉल करते हैं, एंड देन फिर हम आपको पूरा सेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गौरव सर क्लियर है बिल्कुल टॉपिक? Yes, जरूरी नहीं है कि यहां पे अगर कुछ गलत नजर आ रहा है तो आपका SEO नहीं होगा। लेकिन उमेश जी अगर आप ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं ना, संजीव जी अगर आप ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं तो इन चीजों को जरूर ठीक कीजिएगा। yes, यहां पे देखिए वर्ड काउंट 240, ये मेन पेज पे दिखा रहा है, होम पेज पे। और नीचे चलते हैं सर, नंबर ऑफ बैकलिंक्स, सर इसको नंबर ऑफ बैकलिंक्स इसको कुछ अभी तक मिला ही नहीं है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया है अपने पेजेस को भी आपस में कनेक्ट कीजिए उमेश सर, ठीक है ना। जैसे कहीं पे अबाउट वर्ड लिखा है तो अबाउट अपने अबाउट से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर भी आप करेंगे। ब्रोकन लिंक्स, वी हैव नॉट डिटेक्टेड एनी ब्रोकन लिंक्स ऑन योर पेज। ये इसीलिए है कि शायद अगर आपने कोई लिंक यूज किया होगा तो वहां पे हैश डाल दिया होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था याद है स्टार्टिंग में कि हमने हैश डाल दिया। यस सर, यस सर। तो अगर वहां पे हैश नहीं डालते तो ब्रोकन लिंक ले लेता, मतलब AHREF टैग को खाली नहीं रखना है। सर आपने जैसे अबाउट के बारे में बोला, सपोज हमने अबाउट है तो वहां पे कैसे लिंक करेंगे सर, मतलब लिंक करेंगे तो वहां पे जाके फिर क्या मिलेगा। सर देखिए आपको इंटरनल पेज लिंक करना है, जैसे मान लीजिए आपके पेज पे दो डिफरेंट पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, एक है आपके अबाउट आपके बिजनेस के बारे में और एक पेज है जिसमें आप अपने बिजनेस से कोई सर्विस डिफाइन कर रहे हैं, और वहां से आपने चेक कर दिया टू नो मोर अबाउट अस क्लिक ऑन दिस बटन, वहां पे ठीक है सर, वो इंटरनल लिंक हो गया ना सर। यस सर, तो वो करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर गूगल को ये लगता है अगर आप इस तरीके से कस्टमर को नेविगेट कर रहे हैं तो कस्टमर का नेविगेशन बहुत इजी होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगेन बात आ गई, ठीक है। yes, चलिए आगे चलते हैं। ब्रोकन लिंक्स इनको नहीं मिले। फ्रेंडली यूआरएल, आपकी जो वेबसाइट है उसका फ्रेंडली यूआरएल है, अगर किसी भी लिंक पे जाएं, इसको कहते हैं फ्रेंडली यूआरएल, मतलब जो भी कॉन्टेंट है उससे रिलेटेड। देखिए हाउ टू लूज योर हैंडल्स दिख रहा है, योर लव हैंडल्स, ये जो कंटेंट है, ये जो लिंक है, ये फ्रेंडली यूआरएल है। संजीव सर आपकी वेबसाइट पे फ्रेंडली यूआरएल नहीं है क्योंकि आपने पर्मा लिंक्स पे काम नहीं किया हुआ है,
याद है सर पर्मालिंक्स क्या है? यस सर, पर्मालिंक्स राइट साइड में दिखता है। बिल्कुल सर, पर्मालिंक्स पे क्लिक करें और सर आप इस टाइप के आप परसेंटेज पोस्ट परसेंटेज वाले को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका भी लिंक कुछ इसी तरीके से बन जाएगा, जिसको कहते हैं फ्रेंडली यूआरएल। क्लियर है? यस सर। और नीचे चलते हैं, ये robots.txt फाइल है। ये फाइल आपको ये बताती है कि गूगल पे आपको स्कैन, गूगल आपको स्कैन करे या नहीं करे। यहां पे हम फॉलो नो फॉलो लूप लगाते हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए उमेश सर की वेबसाइट पे टिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि सर वर्डप्रेस के अंदर इन्होंने चेक कर रखा है कि भैया मेरे को गूगल इंडेक्स नहीं करे अभी, तो इसलिए वो दिखा रहा है चेकमा कि हाँ भैया इन्होंने फाइल बनाई हुई है। यहां पे देखिए XML जो साइट मैप है वो साइट मैप अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। यहां पे आपके पास लिंक भी है XML साइट मैप जनरेटर का। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स दिख रहा है कि भैया अभी तक आपने गूगल एनालिटिक्स कोड भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब सबसे बड़ी बात आती है यूजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर। इसमें आपको सर ए मिला है, दैट इज वेरी वेरी गुड। रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बहुत अच्छे से ये समझ रहा है कि गूगल आपको बहुत अच्छे से काम करेगा एसईओ के लिए। प्रोफाइल व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट मतलब अलग अलग डिवाइस का साइज अच्छा है। जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए बिकॉज शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी की। चलिए यहाँ पे ये सारे दिखा रहा है सर आपके फैब आइकन आया नहीं है। फैब आइकन, ये जो सामने फैब आइकन है ना, ये जो स्ट्रीम आया छोटा सा फैब आइकन है, ये आपके थीम के अंदर ही आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा फैब आइकन डालने का। सर डाला तो है सर। सर बिल्कुल डाला हुआ, तभी तो टिक आ रहा है ना। ओके, मतलब मैं ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ सर आपके। सर आपने अच्छा काम किया हुआ है, बहुत कम लोग इस रिजल्ट पे आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग से। सर पेज स्पीड, योर पेज सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज स्लो, वी रिकमेंड टू ऑप्टिमाइज टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक सर आपने नो फॉलो लूप लगा रखा है, आपने गूगल इंडेक्सिंग बंद कर रखी है, धीरे धीरे ये इंक्रीज कर जाएगा। इसके नीचे आ जाते हैं, कुछ कुछ दिखा रहा है, ये जो कंप्रेशन है ना, जावास्क्रिप्ट एरर्स, कोई जावास्क्रिप्ट एरर है क्या? नहीं है सर, टिक आ रहा है, अच्छा ग्रीन टिक है। जिप कंसेप्शन ऑप्टिमाइज इमेजेस, आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब इनको लगता है कि आपकी जो इमेजेस हैं उसका साइज बहुत बड़ा है। ये इसीलिए रीजन आ रहे हैं क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ भी सही नहीं है उमेश सर, क्योंकि आपने गूगल इंडेक्सिंग के लिए अभी ऑन ही नहीं कर रखा। ठीक है सर, तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें गलत दिखा रहा होगा यहाँ पे। मिनिफिकेशन क्या है? जब हमने HTML कोड लिखा था याद है, हम एक लाइन लिखते थे उसके बाद एंटर मारते थे दूसरे लाइन पे आ जाते थे, और मैंने आपको बताया था कि सर एक लाइन के बाद HTML में या CSS में स्पेस, जो वाइट स्पेस है वो काउंट नहीं होता है ना, चाहे आप उसको ऊपर लिख दे नीचे लिख दे, बात एक ही है ना गौरव सर? राइट सर। मनोज सर याद है? यस सर। सर थोड़ा सा डल होके बोल रहे हैं, समझ कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, संजीव सर क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर अब मिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो व्हाइट स्पेस है ना, वो गूगल वो ये टूल खत्म कर देता है। मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस के अंदर कैसे इस काम को करना है, एक प्लगइन आता है उस प्लगइन की मदद से करूंगा, और यही रैंकिंग देखिएगा अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। वैसे यहां पे मिनिफिकेशन अभी हुआ है, आपने जो वन SEO प्लगइन इंस्टॉल किया है सर, और जो आपका जो बी थीम्स का प्लगइन है SEO का, उसने ऑटोमेटिकली मिनिफिकेशन कर दी है। यहां देखिए आपके सोशल चैनल को रीड कर रहा है कि भैया देखो आपने अपनी वेबसाइट से कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा, आपको F माइनस दिया हुआ है इसने। सो आपने सोशल चैनल नहीं कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी लेवल है, ये आपकी वेबसाइट है जिसमें आपको ओवरऑल बहुत अच्छा सिक्योरिटी लेवल दिख रहा है आपकी वेबसाइट का। यहां पे अगर चल लें, तो चलिए आपकी वेबसाइट यहां सिक्योर्ड है। ठीक है सर, ये HTTPS लेवल है आपकी वेबसाइट का। क्लियर है उमेश जी? उमेश सर? यस सर।
ये हमारे इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके देता है, होस्टिंग पे इंस्टॉल्ड होता है ये। अगर आपने शायद डोमेन पे लिया हुआ है तो मुझे नहीं पता है, आपने डोमेन से परचेज नहीं किया सर ये? नहीं किया सर अभी। चलिए बाकी जितने भी लोग हमारे इंस्टीट्यूट जिन जिन ने होस्टिंग ली हुई है उन सबको SSL फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है होस्टिंग के साथ। HTTP रीडायरेक्ट, ये इसके लिए अभी टेंशन नहीं लें, कुछ भी नहीं है। मालवेयर, हमारा जो सर्वर है वो मालवेयर स्पेसिफिक है, रेगुलर चेक कर सकता है, ये सारी चीजें वहां पे इंस्टॉल्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे सब पे ग्रीन चेक दिखा रहा है, मतलब होस्टिंग ठीक है। अब यहाँ पे SEO की इंक्लूड ये दिखा रहा है कि भैया क्या क्या आपको काम करने है, रिकमेंडेशन क्या क्या है, ये दिखा रहा है कि भैया सबसे पहले आप एक काम करो, अपने मेटा टैग को अपडेट करो SEO के अकॉर्डिंग। देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि भैया इंक्लूड अ मेटा टैग इन डिस्क्रिप्शन, यूज मेन कीवर्ड्स अक्रॉस इंपॉर्टेंट HTML टैग्स। जो भी आप HTML टैग यूज कर रहे हो उसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करो, इसका मतलब अपने मेटा टैग्स के अंदर कीवर्ड्स को डालो। उमेश सर क्लियर है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। XML इंप्लीमेंट करना जो मैंने आप लोगों को सिखाया, इंक्रीज पेज कंटेंट। अब एक मजेदार चीज और दिखाता हूं, ये तो रही बात आपके होम पेज की, अब क्या मैं आपके किसी एक सिंगल पेज को उठाऊं और यहां पे आके अगर सिंगल पेज को डाल दूं तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा? चलिए ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि हमने फ्री प्लान यूज कर लिया तो मजेदार नहीं है, आप लोग इसको करके देखें। और ये जो टूल है, इस टूल से आप अपनी रिपोर्टिंग कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको तरीके से बताऊंगा। अगर किसी कस्टमर को ये रिपोर्ट भेजनी है, जैसे किसी कस्टमर को आपको वेबसाइट में रिपोर्ट भेजनी है, तो मजेदार है ना उमेश सर, कभी कस्टमर को पिच करना है। यस सर। है ना, तो इस टाइप की अगर एनालिटिक्स आप भेज दो तो कस्टमर तो यहीं पे गिर जाएगा कि भैया बंदे को नॉलेज कितनी है, है ना। लेकिन ये टूल पेड है, अब आपको ये तो पता नहीं कस्टमर पैसे देगा नहीं देगा, तो भैया हम पहले कैसे लगा दें, है ना संजीव सर? यस सर। हम तो अभी अप्रोच ही कर रहे हैं ना, तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ सेशन जी बताएं सर। सर मेटा टैग क्या होता है पहले मुझे थोड़ा सा ये समझाइए आप। मेटा टैग एक होता है सर, सपोज एक डेटा है तो उस डेटा के अंदर जो डेटा आता है उसको मेटा टैग बोलते। चलिए मेटा टैग सर, मेटा टैग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक वेबसाइट स्ट्रक्चर में मेटा टैग के अंदर क्या क्या आता है? मेटा टैग, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, याद है? यस सर, कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। जी, तो ये कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन कहाँ डालते हैं? आपने जो ब्लॉग बनाया उसके नीचे आपको याद है एक टूल आता है जहां पे लिखा रहता है सर टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन डालने का? यस सर, यस। बस वहीं पे आप जब डालेंगे तो मेटा टैग बन जाएगा सर आपका, ठीक है सर? चलिए मैं यहीं तक सेशन को रोकता हूं, हम दोबारा मिलते हैं। और कल थर्सडे फ्राइडे है? कल वेडनेसडे है। चलिए एक और इंफॉर्मेशन है जो शायद मैं कंफर्म हो जाऊं फिर आप लोगों को दूंगा, कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग शायद इट्स अ पॉसिबिलिटी, पक्का अभी नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज हैं उसमें लिए हमारे पास फ्राइडे का सेशन हमें ऑफ करना पड़ेगा, इट विल बी मंडे टू थर्सडे, बट अभी इसके लिए कुछ नहीं है, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर दैट, बिकॉज अगर हम मंडे टू थर्सडे करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज हमारा 60 डेज का काउंट है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, वो एक महीना कोर्स और आगे चला जाएगा। जो नए बैचेस हैं, आप लोगों का बैच तो चल रहा है तो आपके बैच में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो नए बैच बन रहे हैं वो बहुत लंबे खिंच जाएंगे, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, बट वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि हम गवर्नमेंट से इसी बात करें और जहां से भी हमारे एफिलेशन हैं उनसे बात करके फिर विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रोकता हूं, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं।